इंदौर के ग्रामीण इलाके महू क्षेत्र के इंडोरमा के पास तेज रफ्तार आइसर वाहन पलटी खा गया। वाहन में सवार 8 से 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए इंदौर रेफर किया गया, जहां सभी घायलों का उपचार किया जा रहा है। दरअसल मामला महू क्षेत्र के बाईपास का है, जहां घटना में घायल हुए सभी लोगों को 108 की मदद से प्राथमिक उपचार के लिए महू के माध्यमिक जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां से सभी घायलों को इंदौर के लिए रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि इसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। सूचना मिलते ही इंदौर पुलिस भी अलर्ट हुई और डॉक्टरों की एक विशेष टीम इन घायलों के उपचार के लिए तुरंत लगाई गई। देर रात सूचना मिलते ही गश्त में मौजूद ACP आशीष पटेल भी मौके पर पहुंचे और घायलों को कोई दिक्कत ना हो इसको लेकर संयोगितागंज चौकी पर मौजूद पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया गया। अभी ये सूचना मिली है कि वहाँ पर कोई वाहन पलटी खाने से कुछ लोग घायल हुए हैं और जिनको उपचार के लिए MRI लाया जाना है। तो इस हेतु अभी संयोगितागंज चौकी जो MRI में बनी हुई है, MRI चौकी पर यहाँ पर व्यवस्थाओं को देखा कि उनको किस प्रकार से आसानी हो सकती है और यहाँ पर लाने के बाद तत्काल उनका उपचार किया जा सके। इस हेतु चौकी प्रभारी और बाकी बल को बुलाकर ब्रीफ किया गया ताकि उनको इलाज में आसानी हो सके। सर अब तक कुछ लोग यहाँ पे भी आ चुके हैं, अभी कितने लोग आ रहे हैं? अभी कुछ लोग आ रहे हैं, इसकी जानकारी अस्पताल प्रशासन से आपको मिल सकती है। और अभी आकर ये देखा गया कि पुलिस व्यवस्था यहाँ पर प्रॉपर बनी रहे और किसी प्रकार की परेशानी जो है आने वाले जो घायल लोग हैं उनको ना हो। अभी आइसर वाहन की सूचना मिली है, अब यहाँ पर जो लोग आएंगे घायल लोग उनसे अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।